हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता रेसिपीज जंक्शन। तो चलिए आज हम एक नई रेसिपी बनाएंगे जिसका नाम है आलू गोभी मटर। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जहाँ पे हम यहाँ पे ओनियंस और गार्लिक यूज़ नहीं करेंगे। कई जगहों पर अगर आपको यूज़ नहीं करना है ओनियन और गार्लिक तो ये सब्जी बहुत ही बेहतरीन टेस्ट लाएगी आपके रेसिपी में। तो चलिए हम देखते हैं इसके लिए मैंने क्या तैयारी रखी हुई है। यहाँ पर मैंने 1/4 किलो कॉलीफ्लावर लिया हुआ है और अभी मार्केट में बहुत अच्छा ग्रीन पीस आया हुआ है तो मैंने यहाँ पर ग्रीन पीस लिया है 1/4 किलो और 5 से 6 उबले हुए आलू लिए हैं और 3 टमाटर लिए हुए हैं। तो हम इसकी प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में सबसे पहले आपको तेल गरम करना है, उसे अच्छे से गरम होने दीजिएगा। तो चलिए पहले यहाँ पे तेल गरम हो चुका है और मैंने ये जो कॉलीफ्लावर लिया हुआ है फ्लोरेट्स में कट करना है आपको इस तरह से। अब हम इसे पहले फ्राई कर लेंगे अच्छे से। मैंने यहाँ पे कॉलीफ्लावर फ्राई करने रखा हुआ है, यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसे भूनना है, फ्राई करना है। तो देखते हैं हम यहाँ पे हमारे जो कॉलीफ्लावर है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में साइड में निकाल लेते हैं। देखिए ये जो उबले हुए आलू हैं इसे हम 4 पीस में कट कर लेंगे इस तरह। सारे आप आलू इस तरह कट कर लीजिए। चलिए आगे की प्रोसेस देखते हैं। हमने फ्लावर फ्राई करके निकाल लिया है, अब हम तड़के में जीरा डालेंगे। इसके बाद जो हमने बॉइल्ड पोटैटो जो है आलू जो है उसे फ्राई कर लेंगे। इसे भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इस तरह से फ्राई करते जाना है। मीडियम हीट पर ही आप गैस रखिएगा। चलिए तो हल्का सा लेयर आ चुका है इस पोटैटोज पर। अब बारी आती है हमारी फ्रेश ग्रीन पीस डालने की, तो आप इसमें डाल दीजिए। हम मटर को इस तरह से चलाते जाएंगे मीडियम हीट पर जब तक कि मटर हल्के सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो हमारे जो ये आलू और मटर है हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें चॉप 2-3 जो टमाटर लिए हुए थे चॉप करना है और इसमें ऐड करना है। इसे भी आप इस तरह से मिलाइए। अब टमाटर हल्के सॉफ्ट होने के लिए हम इसमें नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार आप नमक डालिएगा। और मैंने यहाँ पे रेड चिली, कोराइंडर और जीरा पाउडर जो मेरे पास हमेशा रेडी रहता है वो मसाला डालूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। धनिया, जीरा और मिर्च पाउडर कॉमन मसाला है जो बहुत ही टेस्ट लाता है इस सब्जी में। इस तरह से इसे आप मिलाइए। फिर जाएगा ये हल्दी और जहाँ पे हम लोग लहसुन या गार्लिक यूज़ नहीं कर रहे तो मैंने यहाँ पे जिंजर यूज़ किया है, ग्रेटेड जिंजर अदरक, तो वो हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। चलिए तो अब बारी आती है ये फ्राइड गोल्डन ब्राउन कॉलीफ्लावर की, इसमें ये जाएगा। अब इसे आप अच्छे से मिक्स दीजिए। तो मैंने इस तरह इसको सारे वेजिटेबल्स को मिक्स कर दिए हैं। देखिए बहुत ही कलरफुल लग रहा है, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, वाइट, येलो, बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। तो चलिए अब इसे हम धीमे आंच में पकने देते हैं। इस पर आप ढक्कन लगा सकते हैं। तो देखते हैं हम ये, वाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए तो ये बहुत अच्छे से मिल चुका है मसालों के साथ। अब इसमें हम पानी डालेंगे, करीबन 1 बाउल, मैंने यहाँ से 1 ग्लास भर पानी लिया है। ये ज़्यादा पतली भी नहीं होती ये ग्रेवी और ना ही गाढ़ी होती है, लगभग मीडियम हल्की ग्रेवी होती है इसमें। तो आप इसे अभी मीडियम हीट पर इसे एक बॉईल आने दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम इसकी स्टेटस क्या है। वाह अमेजिंग, हमारी जो आलू गोभी मटर सब्जी है ये लगभग रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं।
तो देखिए कितनी बढ़िया खूबसूरत लग रही है ये आलू गोभी मटर की सब्जी बिना प्याज और लहसुन के। अब हम इसमें गार्निश करने के लिए धनिया पत्ता डालेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बिना प्याज और लहसुन के हैं। तो आप इसे घर में ज़रूर बना के मुझे कमेंट कीजिएगा मेरे चैनल पर। मेरा फेसबुक पेज भी क्रिएट किया हुआ है मैंने, आप उस पर भी मेरे लिंक को फॉलो कर सकते हैं और उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी।